अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज डॉक्टर सप्तना दत्त। तो आज हम यूरिनरी ब्लैडर की बात करते हैं, दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। तो इसकी सबसे पहले नाट में देख लेते हैं, जो कि यूरिनरी ब्लैडर होगा मोस्ट इंटीरियर होगा एलिमेंट ऑफ द पेल्विक विसरा में होगा, ठीक है, और ये एम्प्टी होगा, खाली होगा। तो इसकी आज यूरिनरी रिट्रेंशन की बात करते हैं। यूरिनरी रिट्रेंशन का मतलब ये है कि यूरिनरी रिट्रेंशन इज़ अ कंडीशन इन विच यूर कैन नॉट बी एम्प्टी ऑल द यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। वो कह रहा है कि यूरिनरी रिटेंशन एक तरह की ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो हमारा ब्लैडर होगा वो एम्प्टी नहीं होगा, यूरिन उसके अंदर कुछ ना कुछ रह जाएगा। वो क्यों रह जाएगा, जैसा कि आपको इस पिक्चर में शो हो रहा है, जो यूरिन है वो ब्लैडर के अंदर रह जाएगा क्योंकि उसकी जो वाल है वो नर्विंग हो गई है, साथ साथ हो गई है उस, इस वजह से वो यूरिन सही तरह से पास नहीं होगा, वो अंदर रह जाएगा ब्लैडर के अंदर, उसे कहेंगे यूरिनरी रिटेंशन। टाइप्स के अंदर क्यूट एंड क्रोनिक आ जाएगा। एंड काफ़ी ज़्यादा क्यूट रिटेंशन के अंदर मेल के अंदर क्या होगा, जो ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी एंड यूरिथ्रा की स्ट्रक्चर वगैरह करेंगे, सूचर वगैरह करेंगे उसे, एंड फिमोसिस वगैरह होगी, जो फोर स्किन होगी पेनस के ऊपर वो कैन नॉट बी पुल्ड बैक। जो कह रहा है कि जो पेनस के ऊपर फोर स्किन होगी वो बैक नहीं जाएगी, उसके ऊपर रहेगी, ठीक है, उसे कहेंगे फिमोसिस। फीमेल के अंदर यूट्राइन प्रोलैप्स होगा, सिस्ट्रोसील होगा, ब्लैडर नेक स्टिनोसिस वगैरह देखने को मिलेगा, है मैच्यूरिया होगा, ब्लड के अंदर यूरिन आएगा, यूरिन के अंदर ब्लड आएगा सॉरी। तो इम्पैक्टेड ब्लैडर एंड यूरेथ्रल स्टोन होगा, यूरेथ्रल इंजरी देखने को मिलेगी एंड फीकल इम्पैक्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया देंगे। तो फीचर्स के अंदर फेलियर ऑफ पैसेज हो जाएगा, जो पैसेज होगा वो फेल हो जाएगा, सही तरह से काम नहीं करेगा, यूरिन जो होगा वो सही तरह से नहीं आएगा, पेशेंट को दर्द होगी, पेन होगी एंड पालपेबल अटेंडेंस वगैरह होगी, ठीक है, ये इसके फीचर थे। तो आगे हम क्रॉनिक रिटेंशन की बात करते हैं। क्रॉनिक टेंशन भी एक तरह की कंडीशन है जिसके अंदर पेनलेस होगा ये, और सब स्क्वेंट अपर यूरिनरी ट्रैक डाइलेशन के अंदर होगा, ठीक है ना। तो आगे हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, ब्लैडर स्टोन। जो ब्लैडर के अंदर स्टोन होगा उसे कहेंगे ब्लैडर स्टोन। ये दो टाइप्स का होगा, प्राइमरी ब्लैडर स्टोन एंड सेकेंडरी ब्लैडर स्टोन। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर आ जाएंगे, पेशेंट को पेन होगी, ठीक है, यूरिन के अंदर ब्लड आएगा, डायग्नोस के अंदर सीटी स्कैन वगैरह करेंगे, अल्ट्रासाउंड वगैरह करेंगे, अब्डोमेन का एक्सरे वगैरह करेंगे एंड सिस्टोस्कोपी वगैरह करेंगे। तो ट्रीटमेंट के अंदर हम करेंगे सिस्टोलिथोलेप्सी। इसके अंदर क्या होगा, ब्रेक ऑफ ब्लैडर स्टोन इनटू द स्मॉलर पीसेस एंड रिमूव दैम। वो कह रहा है कि जो ब्लैडर के अंदर स्टोन होगा उसको हम ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे स्मॉलर पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस के अंदर, फिर हम उसको रिमूव कर देंगे, उसे कहेंगे, उस कंडीशन को कहेंगे, उस फिनोमेना को कहेंगे सिस्टोलिथोलेप्सी, LAPSI। तो आगे हम वेजिकोलिथोटोमी करेंगे। वेजिकोलिथोटोमी का मतलब यह है कि सर्जिकल रिमूव ऑफ स्टोन, सर्जरी करके हम स्टोन को रिमूव कर देंगे, सीखेंगे वेजिकोलिथोटोमी, ठीक है। तो आगे इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, ब्लैडर कैंसर। जो ब्लैडर होगा उसके अंदर कैंसर हो जाएगा तो उसे कहेंगे ब्लैडर कैंसर। तो पैथोलॉजी की बात करते हैं, इसके अंदर ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा वगैरह, ट्यूमर वगैरह हो जाएंगे 90% होंगे, स्क्वैमल सेल कार्सिनोमा 5% होंगे एंड एडिनो कार्सिनोमा 2% देखने को मिलेंगे। ये किसकी वजह से ब्लैडर कैंसर होगा, ये ब्लैडर ट्यूमर की वजह से होगा एंड बेंजोडाइन की वजह से होगा एंड डाई वर्कर की वजह से होगा एंड टायर ट्यूब हो जाएगी एंड कार्बन वर्कर की वजह से देखने को मिलेगा। तो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर पेशेंट जो होगा वो एडरली होगा एंड पेनलेस होगा, और उसको पेशेंट को पेन नहीं होगी, दर्द नहीं होगी, एडवांस ब्लैडर कैंसर होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगी, रुकावट होगी एंड सिक्सिया एडवांस स्टेज देखने को मिलेगी। इन्वेस्टिगेशन के अंदर यूरिन एग्जामिनेशन होगी, यूरिन साइटोलॉजी होगी, अल्ट्रासोनोग्राफी होगी, IVU होगी एंड सिस्टोस्कोपी वगैरह देखने को मिलेगी। सो स्टेजेस के अंदर आ जाएंगे, ये स्टेजेस TX से लेके ये है, ये आपने याद कर लेनी है। तो डिजिटल मैनेजमेंट की बात करते हैं, ट्रीटमेंट के अंदर क्या होंगे, सुपरफिशियल हम देंगे, सुपरफिशियल TCC देंगे, ठीक है ना, ये इतना का ट्यूमर है जिसके अंदर हम सर्जरी करके ट्यूमर को रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो आज हमारा दूसरा पार्ट